ला बोलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं अच्छा है। पहले सबसे पूछो आप सब कैसे हो? तू अच्छा है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, लव अच्छा है, आप सब अच्छे हो। और लव आपको आज कुर्ता पजामा पहने हुए है, तो लव अच्छा लग रहा कुर्ता पजामा? अच्छा लगा ये? अच्छा लगा। क्या खाया अभी आपने? ये क्या लगा मुइया में? पता दिखाया? अच्छा, हैंड क्लीन करवा दिए थे दीदी ने? नानू ने बोला करो, दीदी बोला करो। गंजी नहीं है, अच्छी है दीदी। अच्छा लव, आप क्या कर रहे थे? पापा पिक नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, टीवी में रनिंग की वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो लव का पापा पिक नहीं आ रहा, तो लव बोर हो रहा है ना लव? तो क्या करे, अब रनिंग हो रही है, बारिश हो रही है बेटा, तो नहीं आ रहा है। पानी गिल्ला? बहुत जोर से गिल्ला? गिल्ला मतलब फ्रेंड्स पानी गिर रहा है। क्या हो रहा? पानी गिर रहा, पानी के बहुत बात ना, गिरा पानी ना। पानी गिरला बाल? ओली दो ओली, क्या हो गया? क्या हो गया नूजी में? इतने ओले ओले ओले, नूदी में थुदली हो रही। लेट क्यों गए लव? हाँ लेट जाओ, लेट जाओ। पापा कैसे घर आ जाते थे? पेपा पे घराटे कैसे लेता? घराटे इतने जोर से लेता? अच्छा, आप कैसे सोते लव? मुझे पैर मत पालो। ऐसे ऐसे सोते? ऐसे? अच्छा, गंदा बच्चा। आपने खाना खा लिया लव? खाना नहीं खाया? मुझे खाना खाया है पापा। पापा ने खिलाया खाना? क्या खाया आपने? ओटी खाई। अच्छा लव, आप होटल गए थे? नहीं। रात में नहीं गए थे घूमी करने? नहीं, नहीं गए थे। नहीं ले गया कोई? झूठ बोल रहे। अच्छा मुझे पैर मत मारो। दीदी को पैर नहीं मार लो भैया, गंदी बात होती दीदी को ऐसे लेग मारना। ऐसे हंसते गंदा लव। देखो देखो फ्रेंड्स, लव की टीथ देखो कैसे हंसती। अच्छा चलो ठीक है, बाय करो, बाय करो सबको, बाय करो, बाय कह दो, फिर मिलेंगे। मिलेंगे। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर रनिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नानू ने इस तरीके से ये सफाई की हुई थी, और यहाँ पे मैंने बेडशीट डाल दी है सोफा पर, क्योंकि गंदे हो जाते हैं बच्चे पूरे दिन यहाँ खेलते, और थोड़ा सा नमी नमी टाइप से है। तो मैं डोर ओपन कर रही हूँ, और यहाँ मैंने बाहर इस तरीके से कपड़े डाल दिए हैं सबके, क्योंकि सूख नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, बारिश देखिए, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, और यहाँ के मेरे ब्लॉक्स उखड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे मकान का काम लगा हुआ है इस तरीके से। चलो अटो 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 अटो। तो बारिश हो रही है, आप देख पा रहे हो गे? बहुत अच्छी। और आप वहाँ देखिए, पेड़ मेरा इस तरीके से ग्रो हो रहा है, बारिश की वजह से और अच्छा हो जाएगा बारिश के मौसम में। और फ्रेंड्स, आप वहाँ देखना, वहाँ आपको सामने दिख रहा है, तो वहाँ पे पानी भर गया है, और वहाँ पे जो टर्टर होते यानी कि मेढक, वो इतने लाउडली साउंड कर रहे थे, बहुत तेज साउंड कर रहे थे वहाँ पर। और यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, मतलब रात में बहुत ही अजीब आवाज़ आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत सारे इधर पे हैं। मैंने पहली बार इस तरीके से यहाँ पे आवाज़ सुनी है, क्योंकि कभी भी जहाँ पर हम लोग ऐसे रहते थे तो शहर में इस तरीके से नहीं आवाज़ आती थी। और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है, मतलब ये कॉलोनी थोड़ी सी अगल बगल में थोड़ा सा जंगली टाइप से है, जंगल टाइप से, मतलब खुला एरिया। और फिर यहाँ पे मैं पहली बार इतना लाउडली साउंड सुना, पहले तो मैं सोच में रह गई थी कि किस चीज़ का साउंड है।
पर फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये टर टर का साउंड है और बहुत ही तेज आवाज में कर रहे थे। तो यहाँ पे पूरा ओपन एरिया है, इस तरीके से आप देखिए मकान बन रहे हैं और काफी खाली जगह पड़ी हुई है, तो इस चक्कर में यहाँ पे आवाज आ रही हुई थी। तो चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। और मेरी मनी प्लांट देखिए धूप की वजह से जल सी गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जल गई थी, अब आई होप कि अब पानी से थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे ये तुलसी का प्लांट्स मेरा लगा है, तो उसके बीज निकल करके गिरे, तो देखिए कितने सारे मेरे यहाँ तुलसी के पौधे निकल आए हैं। अब मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि ये तुलसी के पौधे निकल तो आए हैं, लेकिन इससे क्या होगा, ये लास्ट लास्ट में निकल करके आए हैं तो इस साइड को गिरेगा, तो उससे क्या होगा कि डर लगता है कि जब इसके बीज आएंगे तो फिर पैरों में पड़ेंगे। और आप देखिए पूरे में इस तरीके से तुलसी के पौधे, और ये मैं जो पॉट लेकर के आई थी इसमें भी मैंने बीज डाले हुए थे, तो इसमें भी देखिए कितने सारे आ गए हैं बहुत अच्छे से। और ये ग्लोई की बेल कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है, आप देखिए कितने अच्छे से जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। सारे प्लांट्स अच्छे से अपग्रो कर रहे हैं देखिए, और इसमें भी जो मेरी ये बेल थी ना, इसमें भी ये तुलसी का पौधा निकल करके आया हुआ है, आप देखिए। और इसकी बेल देख करके देखिए आप कहाँ जा रही है, और मेरी यहाँ से ना बाहर निकल करके आई है, तो फिर मैं इसको थोड़े टाइम के बाद अच्छे से सिस्टमेटिक करूँगी। चलिए फ्रेंड्स मैं यहीं पे ब्लॉग खत्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और थोड़ा सा मैंने बस ऐसी मस्ती शेयर की है, बस बात करने की इच्छा हो रही थी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और मैं आपको ये दिखा दूं, इसमें ये एलोवेरा वाले प्लांट्स में मेरे दो छोटे छोटे से इस तरीके से एलोवेरा के निकल रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर भी निकल रहा है और यहाँ पर भी निकल रहा है। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।